हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचर एडवाइजर। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं करी पत्ते से होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में। करी पत्ते के क्या फ़ायदे हैं, इसके खाने से कुछ नुकसान भी है या फिर इसे जितना चाहे उतना इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में आते होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। आपको बता दें कि करी पत्ते के अंदर कई औषधीय गुण भी होते हैं जो आपकी सेहत को दुरुस्त रखने में मददगार साबित होते हैं। इसके इस्तेमाल से बालों और त्वचा को पोषण मिलने के साथ साथ आपके शरीर के अंदर से भी फिट रखता है। तो आइए जानते हैं कि करी पत्ते को कैसे उपयोग करना चाहिए। करी पत्ते के अंदर आयरन और फोलिक एसिड बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। एनीमिया केवल शरीर में खून की कमी ही नहीं बल्कि इसका संबंध शरीर में खून को ठीक करने और अवशोषित ना हो पाने से भी है। फॉलिक एसिड रक्त को अवशोषित करने में मदद पहुंचाने वाले जरूरी तत्व हैं। अगर आप एनीमिया से पीड़ित हैं तो इसे दूर करने के लिए हर दिन करी पत्ती खाएं। चूंकि करी पत्ता के अंदर रक्त को अवशोषित करने वाले तत्व फॉलिक एसिड और आयरन दोनों ही तत्व अच्छी मात्रा में होते हैं, इस वजह से इसके सेवन करके आप अपने शरीर में रक्त की कमी को दूर कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा में शराब या फिर मसालेदार मीट या मछली या चिकन का सेवन करते हैं तो ऐसे समय में आप नियमित तौर पर करी पत्ते को ज़रूर खाएं। एक रिसर्च के मुताबिक यदि आप अपने भोजन में करी पत्ते को शामिल करते हैं तो आप अपने लीवर को किसी भी किस्म के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से दूर रख सकते हैं। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल आप लीवर के अंदर बनने वाले विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए भी कर सकते हैं। करी पत्ते के अंदर मौजूद विटामिन ए और सी का कॉम्बिनेशन लीवर में होने वाले किसी भी क्षति को ठीक करके साथ ही उसे सही तरीके से काम करने के योग्य बनाने में मदद करता है। नियमित तौर पर करी पत्ते का सेवन करने से रक्त में शुगर का नियंत्रित मात्रा होता है। एक रिसर्च के मुताबिक यह बात सामने आई है कि अगर आप करी पत्ते का सेवन करते हैं तो आपके रक्त में शुगर का स्तर नहीं बढ़ता है और इंसुलिन का उत्पादन ठीक तरह से होता है। इससे आप डायबिटीज जैसी बीमारी से बच सकते हैं। करी पत्ते के अंदर मौजूद फाइबर आपके शुगर को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सेवन करने से आपका पाचन तंत्र अपने ठीक तरह से कार्य करता है, जिसकी वजह से आप अप टू टाइट डायबिटीज़ के लिए जिम्मेदारी से मोटापे से बच सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति डायबिटीज़ का पेशेंट है तो फिर यह सुनिश्चित करें कि उसके आहार में हर दिन करी पत्ता शामिल हो। इसके अलावा आप सुबह खाली पेट करी पत्ते की पत्तियों को चबाएँ, इससे आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। करी पत्ते के अंदर ऐसे तत्व भी होते हैं जो आपके शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालकर शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखने में मददगार साबित होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक यह बात सामने आई है कि करी पत्ते के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जिसकी वजह से आपका रक्तचाप नियंत्रित होता है तथा आप दिल की बीमारी के खतरे से बचे रहते हैं। अगर आपका पेट हर समय खराब रहता है या फिर आप जो भी खाते हैं वो ठीक तरह से नहीं पचता है तो आप अपने आहार में करी पत्ते को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि आयुर्वेदा के हिसाब से करी पत्ते के अंदर ऐसे गुण मौजूद हैं जो किसी भी खाद्य पदार्थ को मुलायम करके उसे पचने लायक बना देते हैं। इसके अलावा यह आपके पेट के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स और बेकार की चीज़ें मलमूत्र के रूप में आसानी से बाहर भी निकाल देता है। डायरिया की समस्या होने पर भी करी पत्ते को खाया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीफिलामेंट्री गुण होते हैं जो कि खराब पेट को ठीक करने में मददगार होते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में इसका अधिक मात्रा में सेवन करने पर आपको नुकसान हो सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।